करण और रूही की शादी हो जाए तो इट विल बी सो परफेक्ट, दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी, राइट? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट दिया है, मेरा साथ दिया है, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू. मैंने रेडी कर दिया है. हाँ ये भी रेडी है. आए मेरा बच्चा, इतना सोना लग रहा है. खुश हो सुखी हो. साई जी मेरा पागल है. सुखी हो साई जी मेरा पागल है. आलिया. हाँ जी. एक सेकंड मैं देखती हूँ. उधर उधर ये सास जो सरकी भेजने वाली थी वो उसने भेजी कि नहीं. वही होगा. करण कम कम प्लीज कम इन. आओ करण. गुड मॉर्निंग भाभी. अगर मुझे पता होता आपका देवर बनने के लिए मुझे इतनी सुबह उठना पड़ेगा तो मैं भाई से पहले ही कह रहता. भाई लड़की भगा लो और घर ले आओ. मेरे बस की बात नहीं है इतनी सुबह उठना. आइडिया बुरा नहीं था. फिर हम भी पीछे में भागते जाते. सीरियसली कभी कभी तो बनता भाभी के लिए करना. देखो नहीं नहीं वी आर गुड. प्लीज सिट प्लीज सिट. मैं कुछ लेकर आती हूँ. चलो चलो कुड़ियों जल्दी करो. हाँ. सूरज निकल आएगा उससे पहले पहले सब्जी करनी है. आओ. हेलो किसे ढूंढ रहे हो? रूही को? नहीं वो सीधा मलाई मंदिर में ही मिलेगी. ठीक है मैं चलता हूँ. मॉम और भाई भी आपको वहीं मिलेंगे मलाई मंदिर. ठीक है भाग. ओ तेरे लिए लव लेटर भी भेजा है. लव लेटर. पूरा दिन पड़ा हुआ ना. मैं लव लेटर दे दूंगी सबके लिए. तीनों को दे दूंगी. ठीक है अब सुनो जल्दी से सरकी खा लो क्योंकि सूरज निकल गया ना तो सरकी की मुश्किल हो जाएगी. अम्मा हर साल आप ही मुझे सरकी खिलाते हो अपने हाथों से. मैं चाहती हूँ कि इस साल भी आप ही मुझे सरकी खिलाओ. भूख लगी है.
शगुन कितना टाइम हो गया, ये लोग अभी आए कैसे नहीं? डोंट वरी, सब आ जाएंगे। आजा आजा आलिया, अम्मा वेट कर रही है जब से, आज हम लेट हो गए हैं। अरे देखो सब आ गए। ईशु कलश आएंगे, कलश वो सिम्मी लेकर आ रही है अम्मा। अच्छा हाँ, लव साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है ना, चमत्त कुट्टी। अरे इयररिंग चमकती हुई कुट्टी आज तो। लड़के वाले आ गए। अरे वाह, आइए। नमस्ते, वड़कम। वड़कम, प्लीज कम। आलिया बहुत खूबसूरत लगी। थैंक यू। अच्छा रोहिता जी, तुझे मेरे साथ चलना होगा, पूजा के लिए तैयार होना है। बट मैं तो तैयार हूँ। क्या पुत्र, ये मद्रासी है, तुझे इनका नहीं पता। ये पूजा के लिए तुझे दूसरे कपड़े पहनाएंगे, जा बदल क्या लूंगी। गोब्रो वेश्ती। भाभी रूही नहीं आई। मुझे क्या पता। बहुत चला ही नहीं जा रहा साड़ी में। उठा के चलो। कैसे चलते हैं ना लड़कियां, मेरे को समझ नहीं आता। मुझे लग रहा है सब लोग अंदर जा चुके हैं, जल्दी करना। चल सुनो ना बुआ, सभी को आप ये अंदर लेके चलो ना, ये पार्टी को दे दो प्लीज। मेरा एक काम कर दो, इश्मा और शगुन मामा को बाहर भेज दो प्लीज, प्लीज प्लीज, मुझे उनसे कुछ बात। अच्छा ठीक है, तू जल्दी आ। मैं आ रही हूं, भेज रही हूं उनको। हां हां, सॉरी सॉरी, मैं लेट तो नहीं हो गई ना। इशिता शगुन वो बाहर रूही बुला रही है आप दोनों को। हम दोनों को जाओ ना, बुला रही है, कुछ काम होगा। क्या हो गया? ये मामा यहाँ रख दो। Look at you, such a surprise साड़ी में तुम चल पा रही हो। You look stunning. Thank you. बहुत प्यारी लग रही। क्या वो अंदर क्यों नहीं आई, क्या बात करनी थी? वो रूही ने मुझे यहाँ बुलाया। I was wondering तुम अंदर क्यों नहीं आए। हाँ वो actually आप दोनों को कुछ बताना था। कौन? मैंने कुछ अपनी लाइफ में डिसाइड किया है। बात दरअसल ये है कि करण का मैरिज प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। करण? Still, if you don't mind, मैं रूही से अकेले में बात कर सकती हूँ? Of course. I mean, करण, अगर माँ बेटी अकेले में डिस्कस नहीं करेंगी तो रिश्ता पक्का कैसे होगा? Go, go. इतना बड़ा डिसीजन रू, मैं बस एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ, यू रियली वॉन्ट दिस? तुम फैमिली के लिए तो ये नहीं कर रही हो ना? बिकॉज यू शुड नो कि तुम्हारी खुशी सबसे बढ़ के है हमारे लिए। आई नो इशमा, सी आई नो इट्स न्यू, एंड ऐसा नहीं है कि मैं करण से ऑलरेडी प्यार कर बैठी हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट He's a nice guy. And family भी अच्छी है, सब अच्छा है. And the best part is ना कि वो मेरा दोस्त बन गया है. और आप ही कहते हो ना इशमा कि जिस relationship की शुरुआत दोस्ती से हो वो relationship अच्छा ही होता है. तो बस वही सोच के I thought कि सब अच्छा ही होगा. नहीं, लड़का तो अच्छा है. And the best part is कि आलिया भी उसी घर में होगी ना इशमा, हम दोनों साथ में, we'll be there for each other. It'll be a nice, happy family, I think. तो I understand. आलिया होगी, ये तो एक plus point है. हाँ, लड़का भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वक्त चाहिए है तो तुम लो. Really, शमा, I think कुछ चीज़ें ना life में unplanned ही होनी चाहिए. मतलब जो life में आता है ना, हमें उसे accept करके आगे बढ़ना चाहिए. What I mean to say is, शमा के हम जो चीज़ें प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो. एंड एज ऑफ नाउ आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग. मैं बस ना फ्लो के साथ चलती जा रही हूँ. मेरी किस्मत में भी ना आप जैसी अरेंज मैरिज ही लिखी थी, और जैसे आपने पापा को सीधा किया है ना, अगर कल को करण भी कोई गड़बड़ करेगा ना तो आई प्रोमिस यू मैं भी उसे सीधा करके रहूँगी, बिल्कुल आपकी तरह.
दैट्स अ ग्रेट न्यूज, पापा को बताएं? मैं नहीं, तुम फोन करो उनको बताओ। पता नहीं, खुशी होंगे ना? ऑफ कोर्स। ओके हाँ रुई, रुई मुझे एक अर्जेंट कॉल आना है, अभी बात नहीं कर सकता। ओके ये कौन सा अर्जेंट कॉल होगा उन्हें? हाँ एक्चुअली अभी सुबह कौन कॉल करता है? अरे होगा, हम लोग भी क्या सोच रहे हैं, हांगकांग से उन्हें एक फोन आने वाला था। हाँ आई थिंक उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया था। अच्छा, कल रात okay. को तो खैर उन्हें उनका काम करने दो, उन्हें जब पता लगेगा तब तो खुश होंगी। यस लेट्स गो एंड मीट एवरीवन एल्स, उन्हें बताएं। यस गॉड आई कांट बिलीव इट, तुम इतनी बड़ी हो गई हो यार। सबके लिए एक गुड न्यूज है, यू गाइस वोंट बिलीव इट, करण रूही ने शादी की ऐलान कर दी। Amazing, no? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरी देवरानी बनने वाली हो। So happy. ये सब मुरहा की कृपा है। God bless you, Ruby. We're all so excited. इतनी अच्छी खबर मिली है मुझे, आज भगवान ने मेरी सारी विशेस पूरी कर दी। God bless you बेटा। इशिता जी, I'm so fortunate. आपकी दोनों बेटियां अब हमारे घर आएंगी। आयो ये तो जोड़ी के लिए पूजा है, तो मुझे लगता है आज दोनों जोड़ी ने बैठ के पूजा करनी चाहिए। करण रूही तुम दोनों भी बैठो। आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए, मैं एक बार रमन को फोन करके आती हूँ ना, उन्हें बता दूँ गुड न्यूज। का फोन बिजी जा रहा है। रमन की बेटी की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा है और उन्हें पता भी नहीं है। क्या करेंगे हम? दो शादियां एक साथ एक मंडप में हम करा पाएंगे? लेकिन क्या करूं? आप जानते हैं शादी का घर है, बेटी की शादी है, हजार काम है मेरे। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं। हाँ लेकिन विजेंद्र जी एक रिक्वेस्ट है प्लीज, देखिए ये पहली और आखिरी बार मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। अरे आप बात को समझिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है मैंने, ये सब मेरे लिए मुश्किल है बहुत करना, कि ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं किया सर, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। जानता हूँ विजेंद्र जी आपको मना नहीं कर सकता, मैं कभी मना किया है मैंने आपको, लेकिन ये पहली और आखिरी बार मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, प्लीज थैंक यू। और प्लीज बार बार फोन मत कीजिएगा, मेरे घर पे लोगों को शक होने लगा है अब। भाई पक्का किसी मुसीबत में है, पता नहीं भाई उन सब गुंडों में कैसे फंस गए, बस कुछ भी हो भाई को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब जबकि रूही ने हाँ कह ही दिया है, तो इसे अच्छा और क्या होगा कि हम दोनों शादियां एक ही मंडप में एक साथ कर दें। हाँ कुशल जी का आइडिया अच्छा है, कर सकते हैं एक ही मंडप में दोनों शादियां। इसमें आप और पापा जो भी डिसाइड करोगे वही मेरे लिए सही होगा। रूही आइडिया बुरा नहीं है, मैं चाहती थी एक बार रमन से बात कर लेती हूँ इस बारे में, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं। पर इशू रमन को क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो खुश होगा ना कि रूही ने इतना अच्छा जीवन साथी चुना है। इशिता का भी कहना ठीक है, घर पर जाकर रमन से डिस्कस कर लेते हैं, अगर रमन तैयार होता है तो करते हैं शादी की तैयारी। भाई कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी जी ने बोला है कि करवा चौथ के दिन कहीं बाहर नहीं जाना है। तो जानता हूँ जरूरी काम है, शाम पर आ जाओ। पर शादी वाला घर है, शादी वाले घर के काम से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है, और वैसे भी चार दिनों में शादी है और आपने यहाँ बोली। कहाँ जा रहे हैं, लाइक ऑफिस में काम है या अपने वो नए दोस्तों से मिलने जा रहे हैं? देख रूम में तुझे पहले समझा चुका हूँ, अगर तुझे अपनी भाभी की तरह जासूस करने का शौक है ना, तो जैसे मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ तुझसे भी नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल मामला है, दखल मत दे, कहाँ ना शाम तक आ जाऊंगा। हाँ बस निकल रहा हूँ।
पंडित जी, क्या हम अभी शादी कर सकते हैं? प्लीज प्लीज पंडित जी। कार्तिक, तुम तमिल में बात करो ना। दैव से कल्याण पानी वेंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, अभी इनकी पूजा बाकी है। प्लीज पंडित जी, हमारा शादी करना बहुत जरूरी है। प्लीज आप सब लोग इन्हें कहिए ना। अयो पंडित जी, ये पूजा बाद में भी हो सकता है, प्लीज। बात क्या है, तुम दोनों भाग कर आए हो क्या? क्यों ऐसे शादी करना चाहते हो अचानक तुम दोनों? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमारा शादी करना बहुत जरूरी है। पर क्यों जरूरी है, कोई तो बात होगी। देखो कोई भी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज बोलो तो हुआ क्या है? मेरे बाबूजी हॉस्पिटल में हैं और उनकी आखिरी इच्छा ये है कि हमारी शादी हो जाए, इसलिए बस शादी करने के बाद हम वहीं जाने वाले हैं। लेकिन प्लीज अभी अभी हमारी शादी करना बहुत जरूरी है। इश्मा, आई थिंक ये लोग सच्ची में ट्रबल में हैं, और अगर वो कह रही है कि उसके पापा हॉस्पिटल में, देन आई थिंक इन्हें पहले शादी करने देनी चाहिए। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज हमें शादी करने दीजिए, हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, हमारी जान को खतरा है अक्का, प्लीज। What? हम आपको सच बता देंगे, बट अभी अभी हमें शादी करने दीजिए। पंडित जी, क्या आप प्लीज इनकी शादी पहले करा सकते हैं? हम लोग इंतजार कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम लोग वरमाला ले आए हो? जी नहीं, जल्दी जल्दी में हम भूल गए। हाँ, यहाँ साइड में ना पूजा का पूरा सामान मिलता है। हाँ मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। एक अच्छी अच्छी वाली वरमाला पैक कीजिए, वो वाली निकाल दीजिए। रमन भी ना अभी तक मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। पूजा में टाइम है, मैं बुलाती हूँ वापस इन्हें। फोन ही नहीं उठाते हैं कभी भी। रोमी को ही ट्राई करती हूँ। सीता भाभी का फोन आ जा रहा है बार बार, अभी उन्हें कैसे बोलूं कि भाई उस विजेंद्र से मिलने गए, वरना खामखा भाभी में टेंशन हो जाएगी। पहले मुझे अच्छे से पता करना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है, फिर ही उनसे बात करूंगा इस बारे में, बट अभी तो फोन उठाना पड़ेगा यार। ओके। अब हाँ भाभी। रोमी क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी भाभी, वो एक्चुअली मैं बाथरूम में था तो फोन बाहर पड़ा हुआ था। क्या हुआ, सब ठीक है? वो रमन कहाँ है? रमन भाई, भाभी वो रमन भाई एक्चुअली टीना से मिलने गए। वो टीना का फोन आया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया, वो शादी को लेके सब उसी में बिजी हो गए। हाँ अच्छा, नहीं सुनो, मुझे ना एक गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? रूही ने करण के लिए हाँ बोल दिया है, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। क्या, अरे ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। मुबारक हो आपको, हम सबको मुबारक हो। अब तो रूही ने खुद अपने दिल से हाँ बोली है करण के लिए या क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स उसने अपनी खुशी से किया। मैं सुनूँ ना, घर आके तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रमन आएंगे तो उनको बताना कि वो आ सके तो आ जाएं, उन्हें एटलीस्ट से खुशखबरी तो दे देना। वाओ अक्का, कांग्रेचुलेशंस, आपको तो डबल बधाई हो। हाँ, है डबल खुशी की बात है। चलो सुनो ना, मैं रख रही हूँ अभी, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, रमन को प्लीज बता देना। हाँ भाभी ठीक है, ओके बाजो। I'm so excited. सुनो ये लो पानी पियो, मैं जा रही हूँ बाला जीजू और किरण को ये गुड न्यूज देने के लिए। तुम्हारे पेट में बात कहाँ पचने वाली है, जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।